वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, जो आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसे आप यूसीसी भी बोलते हो। तो उसका मैंने रोल ऑफ लर्निंग करा दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर वो किसी ने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पर लिंक अवेलेबल करा दूंगी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड व्हाट इज मैच्योरेशन। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तो रोल ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन पूरा कवर हो जाएगा। साथ साथ डीपीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड किसी ने कोई वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। मेरी वीडियो के सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैच्योरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैच्योरेशन इज अ ग्रोथ विच टेक्स प्लेस रेगुलरली इन एन इंडिविजुअल विदाउट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ स्टिमुलेशन, दैट इज लर्निंग एंड प्रैक्टिस। मतलब मैच्योरेशन क्या है, जो रेगुलरली होती तो रहती है लेकिन इसमें स्टिमुलेशन नहीं चाहिए। स्टिमुलेशन मीन्स लर्निंग, प्रैक्टिस नहीं चाहिए। हम टाइम के साथ साथ चीजों को देख देख के और लर्न तो कर चुके हैं, अब उन्हें एक्सपीरियंस करेंगे तो हम मैच्योर हो जाएंगे। अब मैं बात करूं डेफिनेशन की बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो मैच्योरेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मैच्योरिंग। दिस ओनली रेफर्स टू द फिजिकल ग्रोथ दैट एन इंडिविजुअल कम अक्रॉस ही एजेस। मतलब यहाँ पर मैच्योरेशन को ये बताया गया है कि मैच्योरेशन वही है जो एक फिजिकल ग्रोथ होती है एक बॉय की और एक गर्ल की। तो वो जो फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल चेंजेस आते हैं, दैट इज मैच्योरेशन। साथ साथ ऑल डिपेंड्स अपॉन मैच्योरेशन विच फिक्स ऑर्गेनिज्म फॉर लर्निंग। सब कुछ डिपेंड करता है एक मैच्योरेशन पे, जो ऑर्गेनिज्म को फिक्स करती है लर्निंग के लिए। ऑब्वियसली बात है, मेरा माइंड ही मैच्योर नहीं होगा तो मैं लर्न क्यों करूंगी, किसी चीज को नहीं करूंगी। अगर मेरा माइंड मैच्योर है, मुझे पता है कि इसे याद करने से या इसे पढ़ने से मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा या मुझे ये आएगा या मैं कोई टीचर बन जाऊंगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो मैं लर्न करूंगी। अगर मैं मैच्योर नहीं हूं तो मैं लर्निंग करूंगी ही नहीं। मैच्योरेशन इज डेवलपमेंट विद विच पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनिफेस्ट डिफरेंट ट्रेट्स। मैच्योरेशन क्या है, डेवलपमेंटल है, और टाइम टू टाइम जो है पर्सन जो है अपने ट्रेट्स सिखाता रहता है, मैनिफेस्ट करता रहता है, चेंजेस लाता रहता है अपने ट्रेट्स के अंदर। अब मैंने यहाँ लिखा है मैच्योरेशन कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल एज ही ग्रोज एंड डेवलप। मैच्योरेशन जो है वो इंडिविजुअल में आती है, जैसे ही वो बढ़ता है और डेवलप करता है तब मैच्योरेशन आती है। अब मैं बात करूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, मैच्योरेशन इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय मोटिवेशन। मीन्स लर्निंग नीड्स मोटिवेशन बट मैच्योरेशन डज नॉट नीड्स मोटिवेशन। लर्निंग में अगर मैं किसी बच्चे को मोटिवेट करूं, बेटा पढ़ लो, आपको ये दूंगी वो दूंगी, बच्चा लर्न कर लेगा, लेकिन मैं बच्चे को बोलूं बेटा मैच्योर हो जाओ, बेटा ये हो जाओ, नहीं, वो मोटिवेशन से मैच्योर नहीं होगा। मैच्योरेशन अंदर से आती है। अब बात करूं प्रैक्टिस इज नॉट नेसेसरी फॉर मैच्योरेशन। प्रैक्टिस भी जरूरी नहीं है मैच्योरेशन के लिए, एक्सपीरियंस जरूरी है, लर्निंग कर ले तो धीरे धीरे मैच्योरेशन आएगी। लाइफ प्रोसेसेस ऑफ मैच्योरेशन इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 25 इयर्स। 25 इयर्स तक मैच्योरेशन लेवल जो है आ जाता है, मैच्योर बच्चा, एक 25 साल का बच्चा या बच्ची अच्छे से मैच्योर हो जाता है। चेंजेस अकर इज नेचुरल। जो चेंजेस मैच्योरेशन में आते हैं वो नेचुरल होते हैं। तो ये था हमारा पूरा मैच्योरेशन। अब मैं बात करूं रोल ऑफ मैच्योरेशन इन चाइल्ड। तो रोल यही है कि बच्चे को टाइम से मैच्योर कर रहा है, बच्चे को प्रिपेयर कर रहा है उसके फ्यूचर के लिए, और बच्चा अच्छे से कुछ लर्न करेगा, उसको अपने मोटिव्स पता होंगे। तो यही सारा हमें घुमा घुमा के ही बच्चे में डाल के लिखना होता है। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।